गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने उसका पिछली वीडियो में जो कि लेक्चर हमारा कौन सा था, लेक्चर 36 में हमने निकाला था मध्य बिंदु के परतः जड़त्वागुण। ठीक है, अब इसका हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या है? छड़ के एक सिरे के परितः, छड़ के एक सिरे के परितः जड़त्व आघूर्ण। छड़ के एक सिरे के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना, तो कैसे निकालेंगे? ये हमारी कोई छड़ है, ठीक है, ये इसका एक सिरा है, तो परित रेखा हमारी यहाँ पर है, एक सिरे के परित है और लंबत और है, इस पर लंबत और है। वो ये हमारी कौन सी रेखा है? पारित रेखा। पारित रेखा प्रश्न में दे रखेगा, वो उसकी स्थिति हमें पहचाननी पड़ेगी भाई, वो कहाँ बनेगी। एक सिरे पर है तो यहाँ बना ली, इसकी लंबाई क्या है 2a, तो यहाँ पर हम ओरिजिन मूल बिंदु ले लें, तो ये 2a है पूरी, तो इसमें एक छोटी काट ले लेते हैं, छोटी काट इस टाइप से, छोटी काट क्या ले लें इस छड़ में पी क्यू, इसकी लंबाई कितनी ले लेते हैं डेल्टा एक्स जैसे कि पहले चित्र में लिया था, और छड़ से दूरी कितनी ले लें, परित रेखा से दूरी, परित रेखा से दूरी कितनी ले लें एक्स, तो एक्स दूरी है और डेल्टा एक्स छड़ की लंबाई है, पूरी लंबाई छड़ की यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारी क्या है छड़ है, छड़ पूरी लंबाई कितनी है 2a। तो अब क्या करेंगे, अब क्या निकालेंगे, इसमें द्रव्यमान निकालेंगे हम पहले किसका, छोटी काट PQ का, तो दिया है क्या 2a लंबाई, 2a लंबाई का द्रव्यमान बराबर कितना है कैपिटल M, इसलिए एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या होगा बताओ, एकांक लंबाई का द्रव्यमान शॉर्ट में लिख देते हैं लंबाई को, द्रव्यमान को भी बराबर M बटे 2A, एकांक का निकालेंगे तो 2A का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा इसमें, बटे में आ जाएगा, एकांक लंबाई का द्रव्यमान हो गया। अब छोटी काट की लंबाई का द्रव्यमान निकाल लेते हैं, इसलिए छोटी काट की लंबाई कितनी डेल्टा एक्स का द्रव्यमान, डेल्टा एक्स का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इस एम अपॉन टू ए में डेल्टा एक्स का और गुणा कर देंगे, तो एम अपॉन टू ए इंटू डेल्टा एक्स, जो हमारा पहले भी आया था ये, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये द्रव्यमान आ गया, अब हम छोटी काट का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, छोटी काट का परित रेखा को यदि चाहे तो ओ वाई नाम दे देते हैं, ओ वाई के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, छोटी काट का ओ वाई के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है हमारा द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान कितना निकला है, द्रव्यमान बताओ क्या है, द्रव्यमान है हमारा कितना m अपॉन 2a डेल्टा x, दूरी क्या है, दूरी x है यहाँ से यहाँ तक की दूरी इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये छोटी काट का जड़त्व आघूर्ण आ गया। अब हम पूरी छड़ का चाहिए जड़त्व आघूर्ण, छोटी काट पी क्यू का निकला है, पूरी का चाहिए, तो हम इसका समाकलन करेंगे, और समाकलन की लिमिट बताओ क्या होंगी, यहाँ पर तो एक्स क्या होगा मूल बिंदु है, तो यहाँ एक्स जीरो होगा, यहाँ पर एक्स क्या होगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2a नहीं हो जाएगी, और इसकी लंबाई 2a है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a, ठीक है। तो क्या करेंगे नेक्स्ट, इसलिए पूरी छड़ का
जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होगा, समाकलन एम अपॉन टू ए और एक्स स्क्वायर को बीच में लिख लेते हैं और डेल्टा एक्स, ये पूरा लिख लिया, इस पूरे का समाकलन और इसकी लिमिट, एक्स की लिमिट आएंगी, एक्स की लिमिट क्या होंगी 0 से 2a, पिछले में माइनस ए से प्लस ए हुई थी, इसमें लिमिट क्या होंगी 0 से 2a, 0 से 2a एक ही तरफ है हमारी छड़, इसलिए 0 से 2a लिमिट हो जाएंगी। अब इसमें एम अपॉन टू ए कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा, तो एम अपॉन टू ए तो आ गया आगे। अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन थ्री हो जाएगा और लिमिट कितनी 0 से 2a, ठीक है। एम अपॉन टू ए कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बटे तीन, लिमिट 0 से 2a। अब इसमें लिमिट रख देते हैं तो ये रह गया एम अपॉन टू ए इंटू टू ए रख रहे हैं तो ये 8a³ हो जाएगा क्या, बटे नीचे तीन, और जीरो रखने का कोई फायदा नहीं, लोअर लिमिट रखने का कोई फायदा नहीं, सब जीरो हो जाएगा, तो ये आ गया। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 4 बार कट रहा है, एक ए से ए कट रहा है, तो ये रह जाएगा 4 और एम और ए स्क्वायर बटे कितना 3, ये क्या आ जाएगा हमारा 4m² / 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है थर्ड है इसमें, थर्ड क्या है इसका, छड़ के एक सिरे पर और अल्फा कोण, अल्फा कोण बनाते हुए, छड़ के एक सिरे पर और क्या है, अल्फा कोण बनाते हुए जड़त्व आघूर्ण निकालना है हमें। तो देखना ये हमारी कोई छड़ है, ये छड़ है जिसकी लंबाई कितनी है 2a, इसकी लंबाई कितनी है 2a, हमारी जो परितरेखा है एक सिरे पर है, ये सिरा हो गया, और कितना कोण बना रही है, अल्फा कोण बना रही है, कितना कोण बना रही है अल्फा। तो हम क्या करें, फिर से वही तरीका, इसमें से एक छोटी काट काट लें, इसमें से हमने क्या काट ली, एक छोटी काट, छोटी काट काट ली, छोटी काट का नाम लिख दिया क्या पी क्यू, और ये कितना है डेल्टा एक्स, ठीक है पी क्यू, और ये कितना है डेल्टा एक्स। अब क्या करेंगे, ये जो डेल्टा एक्स है हम यहाँ से इस पर लंब डालेंगे, क्योंकि हमें इस पारित रेखा से छोटी काट की दूरी चाहिए, तो दूरी बहुत सारी होंगी, यहाँ से यहाँ मिला दें, यहाँ से यहाँ मिला दें, यहाँ से यहाँ मिला दें, तो दूरी कौन सी काम करेगी, लंबवत वाली काम करेगी, तो यहाँ से एक लंब डालेंगे हम 90 डिग्री का, तो ये दूरी होगी हमारी, हमें ये दूरी चाहिए, ये वाली दूरी, ठीक है ये वाली दूरी चाहिए, यहाँ से लंब डाल दिया 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, 90 है ये, तो ये दूरी हमें चाहिए, ये देखना अल्फा है, ये अल्फा है और हमें ये दूरी चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फिर से वही तरीका, कितनी ले लें एक्स, ये मूल बिंदु ओ कह दें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स, ये डेल्टा एक्स, तो इसकी लंब में दूरी क्या आ जाएगी, x sin α, लंब डाला है यहाँ से तो इसकी दूरी क्या आ जाएगी, ये इस त्रिभुज को हम हल करें, इस त्रिभुज में तो ये जो दूरी निकल के आएगी वो x sin α निकल के आएगी, और हमेशा याद रखो कि लंब की बात है तो sin α आ जाता है उसमें x में, और आधार की बात है तो cos α आ जाता है, आधार की बात है तो cos α, लंब की बात है तो क्या आ जाता है sin α, तो ये है। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा x sin α हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पारित रेखा से दूरी, ये कौन सी रेखा है हमारी, ये कौन सी रेखा है, पारित रेखा, पारित रेखा से दूरी कितनी है x sin α, किसकी दूरी, छोटी काट की। अब हम बात करते हैं इसके द्रव्यमान निकाल लेते हैं, पहले हर डेरिवेशन में द्रव्यमान निकालना पड़ेगा छोटी काट का, तो चूंकि 2a लंबाई, 2a लंबाई का द्रव्यमान बराबर कितना है कैपिटल एम, ठीक है, इसलिए इसलिए किसका, एकांक लंबाई का, एकांक लंबाई का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा बताओ, अब तो रट गया होगा, एम बटे टू ए आ जाएगा, बटे में चला जाता है, जो भी लंबाई है वो बटे में चली गई, इसलिए कितनी लंबाई का, इसलिए डेल्टा एक्स, इसलिए डेल्टा एक्स लंबाई का
द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा एक्स लंबाई का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इस जो एम अपॉन टू ए एकांक लंबाई का आया है उसमें हम डेल्टा एक्स का गुणा कर दें। डेल्टा एक्स किसकी लंबाई है, छोटी काट की, तो एम अपॉन टू ए इंटू डेल्टा एक्स, पहले भी आया था सेम ऐसा ही, ठीक ना, एम अपॉन टू ए डेल्टा एक्स आया था पहले भी। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं हम किसकी, जड़त्व आघूर्ण की, छोटी काट का निकलेगा फिर उससे समाकलन करने पर पूरी छड़ का निकलेगा, तो पहले छोटी काट का निकालेंगे। अब छोटी काट का जड़त्व आघूर्ण, छोटी काट का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, फॉर्मूला है हमारे पास में द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर, द्रव्यमान है हमारे पास में कितना है एम अपॉन टू ए इंटू डेल्टा एक्स, दूरी, दूरी का काम अब की बार क्या करेगा ये एक्स साइन अल्फा, छोटी काट से पारित रेखा की दूरी कितनी हो गई एक्स साइन अल्फा, ये दूरी नहीं लेंगे, ये तो बड़ी दूरी हो जाएगी, दूरी, दूरी का मतलब होता है सबसे छोटी दूरी, तो सबसे छोटी दूरी लंबवत दूरी होती है, देखना यहाँ पहले चित्र में भी लंबवत दूरी थी, देखो पारित रेखा को, ये पारित रेखा है और ये दूरी कैसी है, लंबवत है 90 डिग्री पर, ठीक है, तो यहाँ तिरछा था तो हमने लंब डाल के निकाल ली, लंबवत दूरी कितनी निकली है एक्स साइन अल्फा, तो यहाँ रख देते हैं एक्स साइन अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करके किस किसका आएगा बताओ, पूरी छड़ का जड़त्वाघूर्ण, पूरी छड़ का जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे समाकलन करके, तो ये बताओ उसकी लिमिट क्या होंगी, देखना मूल बिंदु ओ है, ए की तरफ है ये, तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेकर 2a, एक्स बराबर 0 से लेकर कहाँ तक, 2a तक, ठीक है, एक्स बराबर 0 से लेकर 2a तक, तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ लिख लेते हैं दूसरे पेज में, इसलिए छोटी, छोटी काट का नहीं, पूरी छड़, पूरी छड़ का जड़त्व आघूर्ण, पूरी छड़ का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, समाकलन करेंगे और जो छोटी काट का है वो चीज लिख देंगे यहाँ पर एम अपॉन टू ए और एक्स साइन अल्फा का स्क्वायर और डेल्टा एक्स, ये चीज आई है, लिख रहा है ये, देखना पूरी छड़ का, पूरी छड़ का निकालेंगे तो समाकलन करेंगे एम अपॉन टू ए एक्स साइन अल्फा का स्क्वायर और डेल्टा एक्स, ठीक है, ये हमने वही लिख रखा है जो छोटी काट का आया, यहाँ पर छोटी काट का है और समाकलन करने पर किसका हो जाएगा, पूरी छड़ का। अब समाकलन की लिमिट लिखनी पड़ेगी, डेल्टा एक्स, एक्स की लिमिट क्या हो जाएंगी, 0 से 2a, एक्स की लिमिट क्या हो जाएंगी 0 से 2a, क्योंकि छड़ हमारी एक ही साइड में है, तो ये हमारा क्या आ गया, जड़त्व आघूर्ण, अब इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके, एम अपॉन टू ए बाहर कर लें और 0 से 2a एक्स का स्क्वायर हो गया और साइन स्क्वायर अल्फा हो गया और डेल्टा एक्स को डी एक्स लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और डेल्टा एक्स को क्या लिख लिया, डी एक्स, साइन स्क्वायर अल्फा कॉन्स्टेंट आगे ले लें तो क्या रह जाएगा, ये एम अपॉन टू ए साइन स्क्वायर अल्फा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 और लिमिट 0 से 2a, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, बराबर एम अपॉन टू ए साइन स्क्वायर अल्फा तो है ही, ये साइन स्क्वायर अल्फा तो है ही, यहाँ रख दें एक्स की जगह 2a, तो 2a का क्यूब बटे 3 और 0 रखने का कोई फ़ायदा है नहीं, एक्स की जगह अपर लिमिट रख दी और लोअर लिमिट रखने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो कितना आएगा ये, इसको हल कर रहे हैं अब एम अपॉन टू ए, तुम लोग स्वयं भी हल कर सकते हैं इसे, आसान सा सॉल्यूशन है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ए का क्यूब बटे 3, 2 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार, ए से ये कट रहा है ए स्क्वायर बार, तो ये हो जाएगा एम 4m और साइन स्क्वायर अल्फा और ए स्क्वायर बटे नीचे कितना 3, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन 1 कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, कौन सा, कंप्लीट
डेरिवेशन 1, जिसमें हमारे 3 पार्ट थे डेरिवेशन 1 में, तो यहाँ वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं डेरिवेशन 2 की। ठीक है, डेरिवेशन 2 में कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। तो ये देखें डेरिवेशन 2 क्या है, इसकी फ़ोटो भेजने की आवश्यकता हो तो हमें बता देना कमेंट करके या फिर मैसेज करके। 2a 2b ये है हमारा। ठीक है, 2a और 2b भुजाओं वाले m3 के किसी एक समान कोणिक आयताकार पटल का उस रेखा के परतय जड़त्वागुण ज्ञात कीजिए। 2a 2b भुजाएं आयताकार पटल की और m द्रव्यमान है। जैसे कोई आयताकार पटल होगी तो उसकी लंबाई और चौड़ाई होगी, तो एक लंबाई और एक चौड़ाई है। ठीक है, इसका हमें जड़त्वागुण निकालना है। किसके परतय? जो पटल के केंद्र से गुजरे, पटल के केंद्र से जाए और कहाँ पर हो, और ऊपर लिखा हुआ है भुजा 2a के समांतर। भुजा किसके समांतर? 2a के समांतर। ठीक है, तो देखते हैं इसको। अब बात करते हैं हम डेरिवेशन 2। डेरिवेशन 2 में क्या है? एक हमारा आयताकार पटल है, आयताकार पटल है। पटल का मतलब है पट्टा, लकड़ी का जैसे पट्टा होता है, जैसे मेज होती है, उसका ऊपरी भाग आयताकार पटल है। इसकी भुजा 2a है, एक भुजा 2a लंबाई मान लें और 2b क्या मान लें इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो केंद्र ये हो गया इसका, केंद्र से गुजरे और भुजा 2a के समांतर, तो ये रेखा हमारी कौन सी हो गई? पारित रेखा। ये रेखा कौन सी हो गई हमारी? पारित रेखा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा, पारित रेखा जो हो गई है इसको हम एक्स अक्ष वाई अक्ष में बांट लेते हैं। ये हमारा कौन सा हो गया? वाई एक्स वाई डैश। ये कौन सा हो गया? एक्स एक्स डैश इधर आएगा। ठीक है, तो ये हमारी पारित रेखा है। पारित रेखा फर्स्ट डेरिवेशन में, डेरिवेशन 3 है इसमें, भुजा 2a के समांतर, ये रे भुजा 2a उसके समांतर, भुजा 2a के समांतर और केंद्र से गुजरे और इससे गुजरे केंद्र से, तो ये रेखा हो गई हमारी पारित रेखा। तो यहाँ से हमें छोटी काट की दूरी निकालनी पड़ेगी, तो इसमें छोटी काट ले लेते हैं। छोटी काट हम कैसे ले लेते हैं? इस भुजा 2a के समांतर ही ले लेते हैं छोटी काट। भुजा 2a के समांतर पूछ रहा है, तो भुजा 2a के समांतर ही हम क्या ले लेते हैं? छोटी काट। ठीक है, तो इसकी लंबाई तो वही है 2a है, लंबाई तो 2a ही है वो रहेगी इस छोटी काट की। इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? ये देखना वाई अक्ष की दिशा में है, तो चौड़ाई हो जाएगी इसकी डेल्टा वाई। चौड़ाई क्या हो जाएगी इसकी? छोटी सी चौड़ाई दिख रही है, इसकी छोटी सी चौड़ाई डेल्टा वाई। ठीक है, तो चौड़ाई डेल्टा वाई, लंबाई वही है 2a, क्योंकि इसी के समांतर भुजा 2a के समांतर, तो 2a ही लंबाई होगी। नेक्स्ट, अब ये हमारा मूल बिंदु O का काम कर रहा है केंद्र, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई अक्ष की दिशा में है, तो दूरी को हम क्या लेंगे? वाई अक्ष की दिशा में वाई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या लेंगे? वाई। ठीक है, दिख रही है वाई दूरी, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये मूल बिंदु है, वाई अक्ष की दिशा में दूरी को हम वाई लेंगे। तो यानी कि छोटी काट की इस परित रेखा से दूरी कितनी है? वाई। तो जब हम दूरी का स्क्वायर लिखेंगे तो वाई का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका क्या निकाल लेते हैं? द्रव्यमान निकाल लेते हैं पहले। तो अब छोटी काट का द्रव्यमान, छोटी काट का द्रव्यमान निकाल ज्ञात करना है, पहले ऐसे लिख लेते हैं, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें इस पूरे का पता है, हमें किसका पता है? पूरे पटल का द्रव्यमान कैपिटल M है। ठीक है, तो पूरे पटल का द्रव्यमान, पटल कितने बिमी होता है बताओ? एक बिमी होता है, द्विबिमी होता है, पटल द्विबिमी होता है, एक इसमें लंबाई और एक चौड़ाई है, द्विबिमी है। तो ये पटल द्विबिमी है, तो इसका मतलब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। एक बिमीय चीज होती है, जैसे छड़ थी, एक बिमीय थी, लंबाई लंबाई थी उसमें केवल, तो वो एक बिमीय थी। तार होगा तो एक बिमीय होगा, ऐसे हमारे पास में आयताकार पटल है तो कितने बिमीय? द्विबिमीय। द्विबिमीय तो हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, त्रिबिमीय होगा तो आयतन की बात करेंगे।
ठीक है, तो क्षेत्रफल की बात करेंगे क्योंकि ये हमारा द्विबेमीय है। तो क्षेत्रफल कितना होगा इसका बताओ, लंबाई 2a गुणा चौड़ाई 2b, तो 2a इंटू 2b क्षेत्रफल का द्रव्यमान बराबर कैपिटल M। वहाँ हमने लंबाई लिखी थी ना पहले डेरिवेशन में कि भाई 2a लंबाई का द्रव्यमान कैपिटल M, अब हम क्षेत्रफल लिखेंगे क्योंकि हमारा ये द्विबेमीय है। तो 2a इंटू 2b क्षेत्रफल का द्रव्यमान कैपिटल M, इसलिए इसलिए किसका, एकांक क्षेत्रफल का, इसलिए एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान बराबर कितना, एम अपॉन फोर ए बी। फोर ए बी कैसे हो गया, इन दोनों का गुणा कर दिया, दो दूनी चार और ए बी फोर ए बी, ठीक है, बटे में आ जाता है ये। अब हम छोटी काठ का क्षेत्रफल देखेंगे। छोटी काठ का क्षेत्रफल देखना क्या आएगा, छोटी काठ की लंबाई कितनी है, टू ए, क्योंकि ये टू ए भुजा, ये भुजा हमारी टू ए है, ठीक है, ये भुजा कितनी है टू ए, ये टू ए तो ये भी टू ए होगी, लंबाई टू ए, चौड़ाई कितनी है छोटी काट की, डेल्टा वाई, छोटी सी, छोटी कोई चीज़ होगी तो उसमें डेल्टा में लेंगे, तो इसलिए छोटी छोटी काट के क्षेत्रफल, छोटी काट के क्षेत्रफल क्या, लंबाई टू ए इंटू डेल्टा वाई का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, जो एकांक वाला आता है उसमें हम इसके क्षेत्रफल का गुणा कर देंगे 2a इंटू डेल्टा y का, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल के द्रव्यमान में किसका गुणा कर दिया, छोटी काट के क्षेत्रफल का, लंबाई गुणा चौड़ाई, 2a लंबाई चौड़ाई डेल्टा y है, तो ये क्षेत्रफल गुणा कर दिया इसमें। यहाँ से काट पीट लो, a कट रहा है और 2 से 2 कट रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये बराबर आ जाएगा m अपॉन 2b और कितना आ जाएगा डेल्टा y, ठीक है, 2 से 2 कट गया, ये से ये कट गया, तो m अपॉन 2b और डेल्टा y रह जाएगा। अब ये छोटी काट का क्या आ गया है, द्रव्यमान। अब हम छोटी काट का जड़त्वागुण निकालेंगे, हमारा मुख्य उद्देश्य तो जड़त्वागुण है। अब छोटी काट का जड़त्वागुण 2a के, 2a के सापेक्ष, भुजा 2a के सापेक्ष, 2a के सापेक्ष क्या होगा बताओ, 2a के सापेक्ष छोटी काट का जड़त्वागुण। अब छोटी काट का 2a के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर, फॉर्मूला है हमारा फिक्स, द्रव्यमान गुणा क्या, दूरी स्क्वायर, तो बराबर कितना आ जाएगा बताओ, द्रव्यमान निकाल चुके हैं कितना आया है, एम अपॉन टू बी डेल्टा वाई, दूरी दूरी देखो कितनी है, पारित रेखा, पारित रेखा ये रही हमारी, पारित रेखा ये है, इससे दूरी कितनी है छोटी काट की, वाई दूरी है, छोटी काट की दूरी क्या है वाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो छोटी काट का है। हमें किसका चाहिए जड़त्वागुण, पूरे पटल का। अब पूरे पटल का जड़त्व आघूर्ण, तो इसका हम समाकलन करेंगे, समाकलन कितनी बार करेंगे, इसमें एक डेल्टा वाई आ रहा है तो एक बार समाकलन करेंगे, तो एम अपॉन टू बी और वाई स्क्वायर, इस डेल्टा वाई को हम कहाँ लिख लें, पीछे पीछे, और यदि चाहें तो तुम लोग डायरेक्ट इस डेल्टा वाई को क्या लिख सकते हैं, डी वाई, ठीक है, तो इसका समाकलन कर रहे हैं, डी वाई है वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, तो वाई की लिमिट आएंगी, कोई बता सकते हैं वाई की लिमिट क्या होंगी, चित्र से पता चलेंगी लिमिट, देखो वाई को, वाई ऐसे है, ये दूरी बता सकते हैं कितनी है, ये दूरी बी हो जाएगी ना, आधी दूरी बी और ये दूरी भी बी, तो माइनस बी से प्लस बी नहीं हो जाएंगी लिमिट, वाई की लिमिट यहाँ से और यहाँ तक है हमारा पटल, वाई हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ पर
क्योंकि ये 2 भी है इसकी चौड़ाई, तो आधी भी उधर हो गई और ये इधर हो गई क्योंकि बीच में से गुजर रहा है हमारा मूल बिंदु। तो ये भी हो गई और ये भी हो गई, तो इसलिए क्या हो गया, ये 2b, यानी कि लिमिट हो गई हमारी माइनस बी से प्लस बी। ठीक है, आ गई लिमिट समझ में। देखना 2b लंबाई है, तो आधी आधी बी इधर हो गई, बी इधर हो गई, तो यहाँ इधर नीचे की ओर तो माइनस बी और ऊपर की ओर प्लस बी, तो क्या आएगी लिमिट, माइनस बी से प्लस बी। लिमिट हमेशा हमें चित्र से पहचाननी पड़ेंगी। तो एम अपॉन 2b को हम ले लेंगे, वाई स्क्वायर का समाकलन करेंगे। वाई स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, वाई क्यूब अपॉन 3। अगले पेज में देखते हैं। तो ये आ जाएगा एम अपॉन 2b, और वाई स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, वाई क्यूब बटे 3। वाई स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, एम अपॉन 2b बाहर आ गया, वाई स्क्वायर का समाकलन वाई क्यूब बटे 3, और लिमिट माइनस बी से, चलो ऐसे मत करो इसको, लिमिट का गुण लगाएंगे इसमें, ऐसे हो तो ऐसे भी जाएगा, ऐसे थोड़ा बड़ा पड़ेगा। एम अपॉन 2b और माइनस बी से प्लस बी, यहाँ क्या रह गया, वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, उससे देखना क्या रह जाएगा, एम अपॉन 2b बाहर आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर डी वाई रह जाएगा, और माइनस बी से प्लस बी लिमिट। ठीक है, और इसमें लिमिट का गुण का उपयोग कर लेते हैं। एम अपॉन 2b तो है ही है, एम अपॉन 2b तो है ही, इसमें लिमिट के गुण का उपयोग करेंगे। तो ये सम फलन है, विषम फलन है, सम फलन है, भाघात 2 है, वाई की जगह माइनस वाई रखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। सम फलन है तो क्या होगा, दोगुना हो जाएगा, लिमिट 0 से b हो जाएगी, और वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एम अपॉन 2 से 2 काट दें, b रह जाएगा, इसका समाकलन कर देते हैं, वाई क्यूब बटे 3, और लिमिट कितनी, 0 से b। अब इसमें रख देते हैं, तो एम अपॉन बी तो है ये, वाई की जगह बी लिख रहे हैं, तो बी क्यूब बटे 3, 0 रखने का कोई फायदा है नहीं, सब 0 हो जाएगा, तो बी क्यूब बटे 3 आ जाएगा, वाई की जगह बी लिख दिया है, बी है ये। ठीक है, एक बी से एक बी कट रहा है, तो कितना आ जाएगा, ये एम बी स्क्वायर बटे 3, कितना आ जाएगा, एम बी स्क्वायर बटे 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, अभीष्ट आंसर। ये हमारा भुजा 2a के सापेक्ष आ गया है, ये किसके सापेक्ष आ गया है, भुजा 2a के सापेक्ष। अब तुम लोग चाहें तो रफ में अलग से करके देखना, भुजा 2b के सापेक्ष। सेकंड क्या है इसका, भुजा किसके सापेक्ष, 2b के सापेक्ष, स्वयं करें, इसी हिसाब से होगा आंसर भी। लिख देते हैं हम, जो जड़त्व आघूर्ण आएगा, जड़त्व आघूर्ण आएगा वो कितना आएगा, एम ए स्क्वायर अपॉन 3, 2b के सापेक्ष। ठीक है, वही चित्र बनाना, वही भुजा 2b 2a। अब हमें ये जो हमारे पास में 2b के सापेक्ष पूछ रहा है, तो हमने जो छोटी काट ऐसे बनाई थी, ऐसे बनाई थी, वो अब ऐसे बनानी पड़ेगी। ठीक है, छोटी काट ऐसे बनानी पड़ेगी, इधर को बना लेना या इधर को बना लेना, इधर को बना लेते हैं। ठीक है, तो देखना करके हो जाएगा ये। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, इतना काम तुम लोग किस में कर लेंगे, फेयर में, और हम इसकी फोटो भेज देंगे, पिक भेज देंगे ग्रुप में।